ये देखिए 30 बाई 12 का एक साइज है। अगर हमें एल्बम क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमने 30 बाई 12 का साइज लिया है। 30 बाई 12 का जब हम साइज लेते हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें ये मायने नहीं रखता है कि आप किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं या फोटोशॉप का कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हैं। इसमें सिर्फ ये मायने रखता है कि आप किस पे कंफर्टेबल हैं, किस पे काम कर सकते हैं। ये देखिए ये फ्रेम्स मैंने ले लिया, कंट्रोल सी डब्ल्यू वी कर लिया इसको इस टाइप से, शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट टी किया और इस टाइप से इसको खींच के हमने बड़ा कर लिया है। ये देखिए अब इसको इसकी ब्राइटनेस कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा ये भी बढ़ा देते हैं ताकि ये अच्छा सा। अब ये देखिए इसका ब्राइटनेस कंट्रास्ट बढ़ाने से इस टाइप का आ गया है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें पिक्चर सेट करनी है। कुछ पिक्चर हमने निकाल के रखी हुई है, जैसे कि ये पिक्चर्स है, ये पिक्चर्स हमने निकाल के रखी हुई है। इसको आप चाहें तो कटिंग भी कर सकते हैं, जूम कर लीजिए इसको। और जूम करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको फेदर दे दीजिए 25, और फेदर देने के बाद ये आपकी इमेज कट जाएगी, ये आपकी इमेज यहाँ पे सेट हो गई है। एक इमेज सेट करने के बाद आप चाहते हैं दूसरी इमेज सेट करना, तो यहाँ पे आपने जहाँ पे भी आपकी इमेजेस हैं कुछ मैरिज की, ये देखिए ये एक इमेजेस हम लेके आ जाते हैं, ये एक इमेजेस हमने ले ली है और इस इमेजेस को हम क्रॉप टूल के थ्रू इतना इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए इतना कंट्रोल ए करें, कंट्रोल सी देन डब्लू करने के बाद हम सीधा इस इमेज को यहाँ पे ले आएंगे और कंट्रोल टी प्रेस करके इसको हम जूम कर देंगे ताकि ये हमें इस टाइप से लगे। अब इसको हमने क्या करना है, इसको फैदर करना है। ये देखिए मैं इसको फैदर कर रहा हूँ, ये देखिए ताकि ये मर्ज हो जाए अच्छी तरह इस टाइप से। अब ये इमेजेस में मर्ज हो गई, ये आपकी इमेजेस एक मर्ज हो गई। इसको थोड़ा सा ब्राइटनेस कंट्रोल कर लेते हैं फ्रेंड्स ताकि ये फ्रेम अच्छा लगे। ये देखिए अब हमने एक इमेज जिस और लगानी है यहाँ पे, यहाँ पे एक इमेजेस हम और उठा लेते हैं। उठाने के बाद में हमने क्या करना है, इनको सपोज कीजिए इनका हमने ये फ्रेम उठाना है। ये फ्रेम उठाने के बाद में हम ये आ गया आपका, इसको हम कट कर लेते हैं। कंट्रोल सी किया देन डब्ल्यू किया, इसका एक फ्रेम हम ये ले लेते हैं। ये देखिए ये फ्रेम भी आ गया हमारा निकल के। अब इसको हम थोड़ा सा जूम करेंगे और इस साइड में इसको लगा देंगे ताकि ये अच्छा लगे इस साइड में, और थोड़ी सी इसको मर्ज कर देंगे। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ब्राइटनेस भी कर सकते हैं कलर बैलेंस के थ्रू ताकि ये अच्छा लगे। ये देखिए इसके ऊपर एक हल्का सा इस टाइप का बॉर्डर हम दे देते हैं, जैसे कि ये देखिए ये मैं ले आया हूँ यहाँ से, हमने ले लिया इसको। अब मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल टी किया और जूम करने के बाद में हमने इस टाइप से आ गया। अब इसकी ओपेसिटी हम थोड़ा सा हल्का सा कम कर देते हैं, देखिए या आप चाहें तो यहाँ से भी इसकी लाइट चेंज कर सकते हैं इस टाइप से। ये देखिए मैं लाइट चेंज कर मोड चेंज कर रहा हूँ,
इस टाइप से जब आप इसकी लाइट मोड करेंगे तो इस पोजीशन में आ जाएगा। इस पोजीशन में आने के बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इसको उठा के यहाँ से इरेज कर देना है बस। तो इस टाइप से आपका फ्रेम निकल कर आएगा। जब भी आप इसको प्रिंट पर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे एक हल्का सा वो मार दीजिए आप, ताकि ये चीज आपके फेस के लिए रहे। हल्के से ये आपका फ्रेम बन गया। आप चाहे 12x30 का साइज है, इसको आप चाहे प्रिंट के लिए भी डाल सकते हैं और एल्बम में भी सेट कर सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा आपको कुछ और नई चीजें, तब तक के लिए नमस्कार। Please keep watching my tutorial on the YouTube channel.